कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरैया अय्यर ने एक बार चर्चा में है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के विरोध में उन्होंने 3 दिन तक का व्रत रखा और सनातन धर्म के खिलाफ इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर अपशब्द पोस्ट किए। सुरैया अय्यर के कष्ट को देखते हुए जंगपुरा स्थित उनकी सोसाइटी की RW ने उन्हें और मणिशंकर अय्यर को पत्र लिखा और ये तो वो सार्वजनिक रूप से अपना बयान के लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो सोसाइटी छोड़कर चले जाएं। अब इस पूरे मामले में जंगपुरा एक्सटेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर कपिल कक्कर ने कहा है कि अगर इस पूरे मामले पर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो हम एक बार फिर से उन्हें रिमाइंडर लेटर जारी करेंगे। कपिल कक्कर ने कहा कि उनके इस बयान से जंगपुरा में रहने वाले लोग बहुत खफा हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 3 दिनों का व्रत रखा, सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक बातें अपलोड करी, जंगपुरा RW ने उन्हें लेटर लिखकर माफी मांगने की जो अपील है वो करी है और कहा है कि वो अपलोड करें कि वो माफ़ी मांग रही हैं अपनी, तो वो सोसाइटी छोड़कर जाएं। क्या कहा RW की तरफ से वो भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से जो पोस्ट हुआ उसके बाद जो लेटर है वो उनको जारी किया गया है। सर नाम बता दीजिए आप। डॉक्टर कपिल कक्कर। आप यहाँ पे जंगपुरा RW क्या है सर? के प्रेसिडेंट हूँ। सर आप लोगों ने एक लेटर लिखा है, क्या लेटर लिखा है और किसको लिखा है? हमने लेटर लिखा है मणिशंकर अय्यर जी को और उनकी बेटी सुरैया अय्यर को, और ये लेटर उस कॉन्टेक्स्ट में है जहाँ पे उन्होंने एक वीडियो डाला है ऑनलाइन, जहाँ पे उन्होंने कॉन्सर्ट के जो राम प्रतिष्ठा जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर के बन रहा था या उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन उन्होंने फास्ट रखा था इन प्रोटेस्ट ऑफ दैट, तो उससे रिलेटेड हमने उनको लेटर लिखा। फास्ट रखना कोई ये बात नहीं है, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोगों को लेटर लिखना पड़ा? अपने घर में फास्ट रखें जो रखना है, बट उसको फिर सोशल मीडिया में डालना, उसको बताना कि ये हिंदू मुस्लिम उसको करना, उसको ये करना कि भाई मैं मुस्लिम्स के दुख में शामिल हूँ, भाई कौन से मुस्लिम दुखी हो रहे हैं, कौन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर अपने आप को हिंदू कहना, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू हर रिलीजन को सम्मान और रिस्पेक्ट देता है, एक हिंदू गुरुद्वारे भी जाएगा, एक हिंदू मॉस्क भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हो कि जो राम मंदिर बन रहा है 500 साल बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, उसमें आपको इशू आ रहा है, वो ऐसा क्या इशू है? कोई इलीगल काम वहाँ पे हो रहा है तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से? तो ये एक तरह से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, भाई कोई कुछ नहीं कह रहा बट इनको प्रॉब्लम हो रही है और ये अननेसेसरीली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी कॉलोनी फॉर एनी सोसाइटी, और हमको बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करने की, इस चीज़ को पहले ही फोरस्टॉल करने की कि चिंगारी आग में लगे, तो हमने इसलिए उनको वो लेटर लिखा कि आप रिग्रेट करिए कि जो आपने किया वो गलत था। तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान से या इस तरह के सोशल मीडिया पर डालने से धार्मिक भावनाएं आहत होगी और दंगा भड़क सकता है? आप खुद मुझे बताइए, आज की डेट में तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया से ही होती है ना, जो प्रेजुडिस होता है, प्री डिस्पोजिशन होता है, जो चीज़ें लोगों के अंदर दिमाग और दिल के अंदर चीज़ें डाली जाती हैं वो सोशल मीडिया ही मीडियम है, किताबें कौन पढ़ता है आज की डेट में? सब लोग तो सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ भी कह दिया उसको मान लिया जाता है, तो इन्होंने अपना बड़े आराम से 3 दिन का फास्ट, पहली बात है इनको फास्ट रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ये मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इन्होंने, और इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सोसाइटी के अंदर एक डिस्ट्रस्ट पैदा कर रही हैं। वो यहाँ पे कब से रह रही हैं और क्या कभी इस तरह के पहले भी इस तरह के कुछ बयान? देखिए हमारी सोसाइटी 60-70 साल पुरानी है, हमारी RW 60 साल पुरानी है, आज तक कभी भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। मणिशंकर अय्यर यहाँ पे मेरे ख्याल से 8 साल तो हो गए हैं, 8-9 साल से कम रह रहे हैं। कभी इस तरह का बयान या कुछ नहीं, इनफैक्ट हमने 5-6 साल पहले अपने रिपब्लिक डे वो फंक्शन किया था, उसमें उनको बुलाया था, उन्होंने अपनी स्पीच दी थी और वो सब था, तो और वो सुबह वॉक भी करते हैं पार्क्स के अंदर, कोई ऐसी वो नहीं है यहाँ पे। बट आप लोगों ने जो लेटर दिया है, लेटर में क्या लिखा है और क्या डिमांड करते हैं आप? लेटर के अंदर हमारी सिंपल डिमांड ये है कि भाई आप उसको लेटर, आप अपने वीडियो को वापस लीजिए, आप अपोलोजाइज करिए, रिग्रेट करिए, और अगर आप ये आपको फिर भी लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप ऐसी कॉलोनी में जाके रहिए जहाँ पे RWAs और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ों को बांटना, लोगों को बांटना धर्म के नाम पे वगैरह इज़ नॉट गुड।
अगर वो लेटर का जवाब नहीं देती हैं या यहाँ से शिफ्ट नहीं करते तो अगला कदम क्या होगा? नहीं तो अगला कदम हमारा ये होगा, हम उनको रिमाइंडर दो रिमाइंडर भेजेंगे और आई एम श्योर इतने तो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं कि लेटर का जवाब तो मैं उम्मीद करता हूँ ये देंगे। तो ये माना जाए कि इस तरह का ये से जंगपुरा के RW और यहाँ के निवासी आहत हैं। बिल्कुल आहत है, इसीलिए तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। देखिए इनको प्रोटेस्ट करना था, कुछ करना था, ये अपना सुप्रीम कोर्ट जाती, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाती, को सात बेंच मांग करती, कुछ करती। अब मैंने भी एक वेब सीरीज़ ब्लैक जस्टिस बनाई है, जजेस के ऊपर है, बहुत वो है, बट उसके ऊपर हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया ना कि हम चीज़ों को भड़काएं। हमने सोल्यूशन दो, आप वो करो, और ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड आउट चीज़ जो 500 साल है, इसको छेड़ने की ज़रूरत क्या है? ठीक।